बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद उसामा। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। और आज हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ हाजिर हैं। इसके टोटल मार्क्स हैं 20 और ड्यू डेट है 23 दिसंबर 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड करना है, असाइनमेंट को ड्यू डेट के ऊपर सबमिट करना है और एम एस वर्ड के अंदर आपने फॉर्मेट के अंदर इसको सबमिट करवाना है। तो आपकी जो असाइनमेंट की फाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इनकोडिंग स्कीम है, नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट है, बिट रेट है, इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि जब नई वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और शेयर लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डायग्राम गिवन बिलो इज रिप्रेजेंट द मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम। यू आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एनालाइज इट एंड देन राइट द बाइनरी पैटर्न रिप्रेजेंट बाय द डायग्राम। हमारे पास जो ये डायग्राम दी गई है ये मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम को रिप्रेजेंट कर रही है और हमने इस डायग्राम को बाइनरी पैटर्न के अंदर राइट करना है। तो ये हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। ये जो स्प्रिंग के अंदर भी ये असाइनमेंट हमें आई थी, ये जो क्वेश्चन है, पिछली हमारे पास स्प्रिंग में जो असाइनमेंट आई थी उसके अंदर हमने इसको सॉल्व किया था। तो उन्होंने हिंट दिया हुआ है, फर्स्ट बिट इज 0 एंड इट्स वोल्टेज लेवल इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब लेवल जो होगा वोल्टेज पॉजिटिव टू नेगेटिव तो बिट होगा 0। ये देखिए, यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा लेवल तो बिट होगी 0, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो 1 होगी, ठीक है, सिंपल है। तो हम बुक के अंदर चलते हैं, यहाँ पे देखिए 76 पेज के ऊपर आए, मैनचेस्टर। पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा ट्रांजिशन तो 0 आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो ट्रांजिशन 1 होगा, ठीक है, सिंपल है। पॉजिटिव टू नेगेटिव 0, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1। ये देखें, अगर ये वाला साइन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव तो 0 होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो 1 होगा। ये देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ तक 0 आ जाएगा, ये मिडल लाइन है, यहाँ से अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव है यहाँ तक तो 1 आएगा, ठीक है, ये मिडल लाइन है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव 0, ये मिडल लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव 0 है, अब यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 आएगा, यहाँ से अगेन ये मिडल लाइन इसको छोड़ देना है, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो अगेन 1, नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 आएगा, सिंपल है, ठीक है। ये मिडल लाइन है इसको छोड़ देना है, यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो 0 होगा। एज इट इज वही एग्जांपल, सेम टू सेम यही है, ठीक है। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो 0 आएगा, ये मिडल लाइन को आपने छोड़ देना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, ये मिडल लाइन है, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो 1 आएगा, ये मिडल लाइन है, और यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो 0 आएगा, और ये मिडल लाइन को छोड़ देना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव 0 होगा, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो 1 होगा, ये मिडल लाइन को छोड़ें, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन 1 आएगा, ये मिडल लाइन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव 1 आएगा, और ये मिडल लाइन है, और इसके साथ पॉजिटिव टू नेगेटिव है और 0 आ जाएगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है और 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये हमने लगाया, ठीक है, फर्स्ट है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो 0 आया है, दूसरा भी पॉजिटिव टू नेगेटिव है, एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम इन कर लें, ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो 0 है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो 0 है, अब यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 आ गया, ठीक है, अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो 0 आ चुका है ये वाला, अगेन यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो 0 है, ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 आ गया, ये अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 है, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है यहाँ तक तो 1 है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो 0 है, तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 1 है, ये इसका आंसर है, ठीक है, 100% करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज वी हैव सैंपल अ लो पास सिग्नल विद द बैंडविड्थ ऑफ 350 किलोहर्ट्ज़ यूजिंग 2048 लेवल्स ऑफ क्वांटाइजेशन। तो पार्ट ए के अंदर उन्हें दिया, कैलकुलेट द नेक्वेस्ट सैंपलिंग रेट फॉर द सिग्नल्स, ठीक है, हमें बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, 350 किलोहर्ट्ज़ है और लेवल्स दिए हुए हैं 2048 लेवल्स, ठीक है, इन लो पास सिग्नल दी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को लेट किया 0, क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी दी है 350 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 है, तो हमने इनको टोटल किया, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी मैक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियल फ्रीक्वेंसी प्लस फाइनल फ्रीक्वेंसी 350, तो ये होगा 350 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, तो
नीचे हमने क्या किया, ये टू मल्टीप्लाई कर दिया, ये टू हमारे पास फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आए 83 पेज के ऊपर, इसको बैक करें, 83 पेज के ऊपर आए आप, यहाँ पे 83 पेज के ऊपर आए तो ये देखें नेक्वेस्ट थ्योरम है, ठीक है। दी सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट ट्वीक्स दी हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी है नेक्वेस्ट थ्योरम के अंदर वो है टू, ठीक है, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी टू सैम्पलिंग सेकेंड, ठीक है। तो इसके जरिए हम सॉल्व करेंगे, ये देखें बिट रेट है सैम्पलिंग रेट बाय दी नेक्वेस्ट थ्योरम है, बिट रेट जो फार्मूला है सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिट सैंपल्स, ठीक है, ये है इसकी टू फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसके अंदर ये जो टू है ये देखें फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 350 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। ये जो 40 है 30 किलो को हमने ख़त्म कर दिया, ठीक, किलो की जगह हमने 30 पुट कर दिए, तो ये आएगा 7 लाख सैंपल पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज सिग्नल्स, तो ये भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे चलें, मैंने इसको सर्च किया, ये देखें कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज सिग्नल, तो मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये देखें 48 लेयर है हमारे पास, ठीक है। और अब हम इसको देखते हैं, 24 को भी देख लेते हैं, ये हमारे पास देखे हैं, हमारे पास लो पास सिग्नल विद बैंड भी तो 300 किलोहर्ट्ज़ दी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो हमने क्या करना, नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट, ठीक है, तो लो पास क्या दिया 3 किलोहर्ट्ज़ है, और नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट इक्वल टू 2 × 3 किलोहर्ट्ज़, 2 देखें इसके, यहाँ पे उन्होंने फार्मूले वाला यूज़ किया, तो ये देखें मल्टीप्लाई किया तो ये आ चुका है हमारे पास सैम्पलिंग पर सेकेंड। तो 28 को देखते हैं हम, यहाँ पे ये देखें वी हैव सैंपल लो पास सिग्नल विद बैंड भी 3 किलोहर्ट्ज़ यूजिंग 1024 लेवल्स ऑफ क्वांटिजेशंस, वही वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे 1024 है और यहाँ पे 350 किलोहर्ट्ज़ है, तो कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज सिग्नल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 300 किलोहर्ट्ज़ और लेवल्स क्या हैं 1020 लेवल्स को हमने बिट में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ बिट्स लॉग टू 1024, तो ये हमारे पास 10 आता है। तो अब हम इसका बिट रेट निकालेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बिट्स, तो फ्रीक्वेंसी 2 है मल्टीप्लाई ये वाली 300 किलोहर्ट्ज़, तो हमने किया ये आएगा 6 MB पर सेकेंड, तो इसी तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, ये देखिए दी नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल एंड बिट रेट, तो हमने इसका जो नंबर ऑफ बिट्स निकाला है, ठीक है, लेवल्स का 10, 20, 48 लेवल्स का, तो ये इज इक्वल टू होता है 11 बिट्स के, ठीक है, ये 11 बिट्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ ये वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आई है वो है 7 लाख सैंपल पर मीटर्स, तो हमने 700 किलो 30 की जगह हमने किलो लगा दिया, किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 11, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ना, तो ये आ गया 7700 किलोहर्ट्ज़, तो 7.7 मेगाबाइट्स पर सेकंड हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ठीक है, तो ये इसका आंसर है 100% करेक्ट। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो प्रेस करें बेल के आइकन को, ताकि जब नई वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और शेयर लाजमी करें, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।